तो फ्रेंड्स कपकेक के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेंगे. कोको पाउडर 1/2 टेबल स्पून, मैदा 4 टेबल स्पून, वनीला एसेंस टोटली ऑप्शनल है, और आपको चाहिए कंडेंस मिल्क. मैं यहाँ अमूल का कंडेंस मिल्क ले रही हूँ. 1 खाली कप आपको चाहिए जिसमें हम कपकेक बनाएंगे. ओके, यहाँ पे हमें चाहिए बेकिंग पाउडर 1/2 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा पिंच ऑफ, और सॉल्ट पिंच ऑफ. ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कपकेक में. और सॉल्ट प्लीज़ जरूर डालिए क्योंकि ये मीठे को बैलेंस करता है. रूम टेम्परेचर में रखा हुआ मिल्क, वो भी हमें 4 टेबल स्पून पड़ेगा. और वैसे तो गर्मियों के दिन में बटर लिया जाता है, बट मैं यहाँ पे राइस ब्रैन का ऑयल ले रही हूँ क्योंकि बटर थोड़ा जम जाता है, बच्चे जब खाते हैं तो. अभी ये सर्दी है तो बहुत जल्दी जम जाएगा, तो ये ऑयल रिफाइंड ऑयल सही रहता है. तो कोई भी ब्रांड का आप अच्छी क्वालिटी का रिफाइंड ऑयल ले लीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कपकेक की रेसिपी. फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. वैसे तो आप मैदे को छान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है. तो 1, 2, 3, 4 4 टेबल स्पून मैदा और 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर. और इसमें डालिए आप 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट. और अब हम 1/2 स्पून भर के कंडेंस मिल्क. 1, 2, 3 टेबल स्पून मिल्क, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1, 2 और 4 टेबल स्पून मिल्क, 1, 2, 3, 4. मेक श्योर कोई लम्स ना पड़े इसके अंदर, इसलिए इसको काफी अच्छे से आप, अगर आप मैदे को छान लेंगे तो बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ते हैं. तो इस तरह से आपका बैटर तैयार हो जाएगा. इसको अच्छे से फेंट लीजिए, मिक्स कर लीजिए. सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए. ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है. अब हम इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डाल देंगे. सो मैंने बैटर को रेडी करके 2 मिनट के लिए अब हम अपने कप को माइक्रोवेव में सेट होने के लिए रखते हैं. तो ये हो गया है, चेक कर लेते हैं. बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है. तो देखिए आपका कपकेक रेडी है. सो फ्रेंड्स कपकेक बिल्कुल रेडी है और मैं इसको अब गार्निश करूंगी चॉकलेट सिरप से. कपकेक रेडी हो चुका है और अब मैं खिलाने जा रही हूँ पार्ट को इसे जल्दी से, ताकि ये ठंडा ना हो जाए. तो प्लीज़ आप ही बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये झटपट सी 2 मिनट में बन जाने वाली कपकेक की रेसिपी कैसे लगी. और प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी ही झटपट बनने वाली रेसिपीज़ आपके लिए और लेके आऊँ. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.